इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, हमें माँ की वंदना कर दी, माँ की अनुमति प्राप्त हो गई, हमारे अध्यक्ष जी की अनुमति प्राप्त हो गई। इसी के साथ मेरे पास में एक ये पत्रक आया हुआ है, कुमारी गुनी जैन, ये पंकज कुमार जैन की बेटी हैं और फिरोजाबाद की ही हैं, ये कविता सुनाना चाहती हैं। और मैं इस लोभ को रोक नहीं पा रहा हूँ कि अगर हमारे इस पारिवारिक कार्यक्रम का शुभारंभ हमारी ही अपनी बेटी से हो, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मैं चाहता हूँ इस पंडाल में एक एक व्यक्ति जो है बैठा है वो दोनों हाथ खड़े करके जोरदार तालियों से अपनी ही बेटी का स्वागत करें। मैं गुनी जैन, किड्स कॉर्नर स्कूल की छात्रा, आज आप सभी के सामने अपने कुछ मन के भाव प्रस्तुत करना चाहूँगी। हाँ, मैं एक लड़की हूँ, भविष्य की नारी हूँ, ये मत समझो कि मैं बेचारी हूँ। सिर्फ किचन में खाना बनाना नहीं आता, प्रेजेंटेशंस भी सॉलिड देती हूँ। हाउसवाइफ से कलेक्टर तक का सफर ना मैं यूं तय करती हूँ। क्यों बचपन में खिलौनों के नाम पर किचन के बर्तन थमा दिए जाते हैं? क्यों फरारी और बाइक के टॉप मॉडल्स आज भी लड़कों के लिए लाए जाते हैं? स्टीयरिंग तो दो हाथ में मैं भी दुनिया घुमा सकती हूँ। बाइक क्या चीज है साहब, गुंजन सक्सेना की तरह हवाई जहाज भी उड़ा सकती हूँ। शोपीस हूँ क्या, ऐसे क्यों घूरते हो? अरे मैं भी तो तुम्हारे जैसी हूँ ना, मुझे बार बार क्यों फरकते हो? एजुकेशन मेरी भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी तुम्हारे बेटे की है। समाज में स्पेशल राइट्स का टैग लगाकर उसे भी तो नहीं भेजा था भगवान ने। क्यों बचपन से ही मन में यह डर डाल दिया जाता है, मत निकलो बाहर अकेले, 10 बार कह दिया जाता है। आखिर गलत तो वो भी नहीं, वो भी माँ बाप है, क्योंकि आज भी देश में निर्भया जैसे हालात हैं। हमेशा पुरुषों की इस दुनिया ने औरत को नियति दिखलाई है, कभी हार गए जुए में तो कभी अग्नि में परीक्षा दिलवाई है। इतना ज्यादा कमाती है, हस्बैंड को तो नौकर बनाएगी। लड़की MBBS है भैया, रोटी कहाँ खिलाएगी? She is too opinionated, पावर का गुरूर है, ऐसी बातों से पाला तुमने हर दिन अपना जरूर है। मैं शादी के बाद आपको जॉब अलाउ करूंगा, मतलब MBBS तेरा एक तरफ होगा वही जो मैं कहूंगा। बहुत मुश्किल होता है अपनी पहचान मिटा, दूसरों के रंग में रंग जाना, बेटी से बहू में ढल जाना, हर रोज वही सब कुछ सहना, हर रोज फिर दिल को समझाना। माँ मैं तुझसे प्यार तो बहुत करती हूँ, पर तेरे लिए वक्त नहीं निकाल पाती। बड़ा आदमी बनना है ना मुझे, तो बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, तू समझ रही है ना माँ? अरे वो बेचारी क्या समझेगी, क्या बताएगी, इतने सारे शब्द कहाँ से लाएगी? मैं बताती हूँ, कभी पेड़ों से मत पूछना कि फल देने में वो क्या क्या सहते हैं। जिसने अपनी कोख से औलाद जन्मी हो उसे मत बताना कि बर्दाश्त करना किसे कहते हैं। सोचो वो दर्द जो भीष्म पितामह को शरशय्या पर मरने पर हुआ था। अगर वदन की सारी हड्डियां एक साथ चटक जाएं, कितना दर्द होता है, वही दर्द तुम्हें पैदा करने में हुआ था। याद रखो, वाह 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 बेटा, अंबी भी तुम, काली भी तुम, काल रात कल्याणी तुम, भारत का श्रृंगार हो तुम, हर मर्द की शान हो तुम। बिकॉज दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाप छाले है सांसे बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है मरना मुझे। मैं आप सभी के साथ थोड़ी समाज की सच्चाई सामने लाना चाहूंगी। जिस पर मैंने सर्वस्व लुटाया, मेरा वो अरमान कहाँ है? बोलो नेहरू, बोलो गांधी, मेरा हिंदुस्तान कहाँ है? 47 में भारत बांट
मुझे बताओ यही ज्ञान तुम उनको भी दे सकते थे, नहीं बटेगी भारत माता मुंह से ये भी तो कह सकते थे, मगर देश को छिन बिन कर दुनिया भर की सीख दे गए, हिंदू को तो फाड़ कर गए और आरक्षण की भीख दे गए, 1 अरब हिंदू लावारिस, बोलो मेरा मान कहाँ है, बोलो नेहरू, बोलो गांधी, मेरा हिंदुस्तान कहाँ है। सेक्युलर राष्ट्र बनाना था तो बिन बंटवारे भी संभव था, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बिन भारत हारे भी संभव था, उन्हें पालना ही था तो क्यों टुकड़े भारत के कर डाले, मुझे बताओ किसके खाते डाके अपने ही घर डाले, एक चीन क्या कम दुश्मन था, बाजू पाकिस्तान बिठाया, कदम कदम पर इसी पाक से हम सब ने है धोखा खाया, जितनी सस्ती जान हमारी उतनी सस्ती जान कहाँ है, बोलो नेहरू, बोलो गांधी, मेरा हिंदुस्तान कहाँ है, मेरा हिंदुस्तान कहाँ है, मेरा हिंदुस्तान कहाँ है। धन्यवाद। वाह बेटा वाह, भाई जिंदाबाद। अरे एक 500 का नोट है तेरे पास, एक 500 का नोट दे दे मुझे।